बिजनेस तो बिल्कुल तबाह है, उन्हें बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, न सरकार का कोई मतलब है बिजनेस की हेल्प से। जहाँ हमारी 4 केजी जाती थी, एक मिसाल के तौर पर मान लो आप, वहाँ पर हमारी 1 केजी कटक रह गई है। घूम फिर के जब चुनाव आता है तो वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है, हिंदू हिंदू को वोट दे देता है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे देता है, इसलिए वो ये वाला बिजनेस का इशू तो खत्म हो जाता है। हम इस वक्त हैं मेरठ के कैंची बाजार इलाके में, समझना चाह रहे हैं कि कैंची वाले इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसका वोट काटेंगे और क्या चुनाव इनकी जिंदगी में कोई धार लाएगा। अठारह ऑपरेशन है कैंची को बनाने में, कंज्यूमर 20वां होता है, 19वां मैं हूँ। कंज्यूमर जो इस्तेमाल करता है वो 20वां या 21वां आदमी होता है उसमें इस्तेमाल करने वाला। 18 डिफरेंट हाथ लगते हैं जब एक पीस बनता है, और बहुत टिपिकल जॉब है कैंची बनना। 500 रुपये की भी सस्ती है कैंची, और कुल बिकती है कितने की, 100-150 रुपये की। मेरा काम कम से कम 80 साल पुराना है, मैं यहाँ की 4थी पीढ़ी का बंदा हूँ, और फिलहाल तो काम बहुत डाउन है। भाई कारखाने का हिसाब लगाओगे तो देखो जी, गिनती नहीं हो सकती, इतने कारखाने घर घरों में लोगों ने कारखाने लगा रखे हैं, अब इसकी गिनती तो हो नहीं सकती। कम से कम 10,000 आदमी तो जुड़ा हुआ ही है कैंची के काम में। महंगाई है इनके, ये पीतल 300 रुपये था, 500-550 रुपये पीतल है। लोहा पहले 40 रुपये था, 60-70 रुपये किलो है, यानी मटेरियल से जो होती है डबल महंगाई हो चुकी है। मेरा आज से 4-5 साल पहले तक भी ऑस्ट्रेलिया भी माल जाता था, अमेरिका भी माल जाता था, आगे कार आके हम यहाँ पे फिर भी फेल हो गए। अब दोबारा 3 साल हो गए मैं किसी एक्सपोर्टर को माल नहीं दे रहा हूँ। ये हमारा काम है, इसको चाइना ने काफ़ी इम्पेक्ट किया है इस पर, काफ़ी हद तक जो है इस काम की कटत हमारी जहाँ 300-400% बैकफुट पर ला दी है, क्योंकि एक तो कॉस्ट कम है उसकी, दूसरा हल्की भी है, और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में वो ज़्यादा भी आती। जो मेन प्रॉब्लम इस कैंची इंडस्ट्री में अभी हाल फिलहाल में आई है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है GST की। पहले इस पर वैट था 5%, वो हम लोग कवर कर लेते थे। हम लोग जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं वाउचर परचेज माल, पक्के बिल से हमारी कोई परचेजिंग नहीं होती है। सामने वाली पार्टी 18% GST दे नहीं सकती, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना है नहीं। इस वजह से सब काम तो 2 नंबर में आज भी हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जो एक कैंची है, सीजर जो है वो तैयार होता है, आपको दिखाते हैं। ये जो पीतल का आप बर्तन देख रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये पीतल का बर्तन है। इस पीतल के बर्तन को इस भट्टी में, यहाँ भट्टी में डाला जाएगा, भट्टी में डालने के बाद ये तपेगा, ठीक है, उसके बाद वो पिघल के निकलेगा, आग जो है वो पूरा अब लावा जैसा होगा, वो निकलकर यहाँ पर जो ये सारा वो रखा हुआ है, ये जो फर्मा तैयार कर रहे हैं ये लोग, फर्मा बना बना के, ठीक है, ये बना रहे हैं डिज़ाइन कह लीजिए आप उसको, उस डिज़ाइन को यहाँ इस बॉक्स में फिट करके डाला जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें पीतल जो है, जो पिघलता हुआ पूरा पीतल है वो डाला जाएगा। देखिए ये खाली ब्लेड है और ये हैंडल है, उसमें ये सुराख आते हैं ना, अलीदा अलीदा सुराख किया, ये सुराख हो गया इधर, दोनों में होल्ड हो गया, तो इसके बाद में जो होएगा, इसके बाद में ये जॉइंट होगा इधर, आप इसे देख रहे हैं ना, इस लड़के को कैसे जॉइन कर रहा है,
ये एक पट लेके एक पर को ब्लेड कैसे जोड़ रहा है, ये होल्ड कर दिया, ये कैसे होल्ड किया, देखो कितनी मेहनत है, कितनी स्लो कर रहा है, ये चार होल्ड होता है इसके अंदर एक करके। और इधर आइए फिर जोशी घिसाई है ये, आप इसे देख रहे हो ना, ये कितनी वो है इसके अंदर, ये ऊपर कचरा है या भेंट चढ़ी हुई गंदगी है ना, ये जो कर रहे हैं ये इस वजह से साफ कर रहे हैं, देखो ये उड़ा रहे हैं रेती से। फिर इसके बाद में जो कैंची को हार्ड कर देता है, जैसा कच्चा लोहा रहता है ना, इस पर पानी का टेम्पर हो जाता है ना, उससे कैंची की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, जो धार होती है ना इसमें जान पड़ जाती है। और वो आग में लगा रहे हैं ना, इधर पहले आग में गर्म कर रहे हैं, देखो सुराख कर दिया बिल्कुल परे को, ये इधर एक कार कर रहा है अभी काम को, जो फिनिशिंग करता है ना इसकी शेप शक्ल घिसाई। आज काम भी वो इतना कम होता चला जा रहा है, पहले हम सारा दिन काम करते थे, आज 4-5 घंटे का काम रह गया है, मतलब घर के हिसाब से भी नहीं कमा सकते हम जितना हमारे घर फैमिली का हिसाब है। मेरी 8 जनों की फैमिली है, गर्मी में आप ये समझ लीजिए इस टाइम हमें पसीना आ रहा है इतने तापमान ठंड में, और गर्मी में आप खुद ही सोच लिए थे क्या हालत हो गई हमारी। गर्मी में तो हमारा यहाँ तक कि हमें उठना पड़ता है, लेट जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि अब इतनी उम्र हो गई है इस काम को करते करते, एंड में ये होता है कि सांस के मरीज हो जाते हैं इसमें। और मास्क लगाने की आदत नहीं है, साथ ले ले आया था मास्क लगाने थे। अगर इसमें टेक्नोलॉजी पर सरकार ध्यान देती, जो प्रॉपर एक नज़र रखती या कोई ऐसी चीज़ होती जिस पर नज़र रखी जा सकती, तो शायद ये काम काफ़ी आगे तक पहुंच सकता था, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई मैनेजमेंट सरकार की तरफ से है नहीं कि जिसमें टेक्नोलॉजी या फिर मशीनें या फिर उनके बारे में समझाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह टेम्परिंग का काम हो रहा है, जैसे कि इसमें कोई मशीन नहीं है, सारा हैंडमेड है, और अंदर भी जैसे शार्पनिंग वगैरह हुई, बफिंग वगैरह हुई, इसमें सिर्फ ज़्यादातर हैंडमेड ही काम है, तो कोई ऐसी इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करवाया गया ना करा अभी तक। हाँ फिलहाल हो रहा है, थोड़ी बहुत आई है, इतनी नहीं आई कि जो हम चाइना की मार्केट को इसे टक्कर दे सकें, तो अगर इस पर अच्छा बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए या लाई जाए इसके लिए यूज़ में, तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है काम। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या ये सब मुद्दा देखेंगे आप लोग? नहीं, मुद्दा नहीं दिखने का ये वाला, कैची की लाइन से अगर आप चुनाव को डिस्कस करना चाहेंगे तो कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव हो रहे हैं ठीक है, जो मोमडन लेबर है या मोमडन करने वाले हैं वो मोमडन को वोट देनी है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के या हिंदू हैं वो उन्हें देनी है, चुनाव से इसका कोई बेनिफिट ना, तो इससे कोई हर्ज होना ना हमारे को मन में है कि भाई गवर्नमेंट योगी जी 18% की जगह 5% कर देंगे, जब देंगे हम वोट इसलिए हम तो अखिलेश जी को देंगे वोट, नहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।